लिखिए थ्योरम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है द टेंजेंट ऑफ सी वन lies in the normal of original curve C lies in the normal of original curve C or करके दूसरा स्टेटमेंट लिखिए प्रूफ दैट द टेंजेंट टू द टेंजेंट टू द लोकस ऑफ सर्किल ऑफ कर्वेचर ब्रैकेट में लिखिए ऑस्कुलेटिंग सर्किल लाइज ऑन द ब्रैकेट पर लाइज ऑन द नॉर्मल प्लेन ऑफ द ओरिजिनल कर्व and makes an angle tan inverse rho upon sigma rho dash ओरिजिनल कर्व के प्रिंसिपल नॉर्मल P
पी आई से कितना एंगल बनाएगा। अगर हम ये एंगल अल्फा मान लें तो इसका मतलब पी आई वन पी आई, ये मान लीजिए हमारा पी आई है, तो ये क्या होगा हमारा बी आई। तो कह रहा है टी आई वन पी आई से अल्फा एंगल बनाएगा, उस अल्फा की वैल्यू की है। बात समझ में आई? क्या क्या बोले, इसका टेंजेंट नॉर्मल प्लेन ऑफ सी में लाई करेगा, मतलब इसका टेंजेंट इसके टेंजेंट से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो टी आई पी आई बी आई, एस वन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो टी वन आई पी वन आई बी वन आई। जहां एस और एस वन आपस में इंटरकनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष क्या होगी, डिफरेंशिएट होगी। इतनी बात क्लियर है सबको, शशिकला आपको? फिर कह रहा है इसका टेंजेंट इसके प्रिंसिपल नॉर्मल से फलाना एंगल बनाएगा। तो इसका टेंजेंट पहले वाले के प्रिंसिपल नॉर्मल से भी अल्फा एंगल बनाता हो तो वो एंगल इतना शो करता है। क्वेश्चन समझ में आया? दो चीज प्रूफ करनी है, एक तो ये और एक तो ये। बस इतना ध्यान रखिए एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी आई पी आई बी आई, एस वन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी वन आई पी वन आई बी वन आई। जहां एस एस वन का फंक्शन है, अर्थात दोनों एक दूसरे के सापेक्ष डिफरेंशिएट हो सकते हैं। इतने में कोई डाउट क्लियर है? आगे बढ़े, प्रूफ लिखिए। और दोनों का इक्वेशन आपको पता है, इस तरफ का इक्वेशन क्या है, एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई एस। इसका इक्वेशन क्या है, कैपिटल एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस रो पी आई, अभी पीछे लिखवाया है ना, क्यों तकनीक। इसका इक्वेशन क्या लिखवाया है, एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस, और इसका इक्वेशन एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई। द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ, द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज, द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज, द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज, लिख लीजिए, यही है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर का लोकस लिखने से जो बनता है उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर या ऑस्क्यूलेटिंग सर्किल का लोकस, है ना, इस तरह का नाम दिया जाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर शब्द पकड़िए, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा कर्व जो सेंटर से बना हो, सेंटर से बना हो मतलब सेंटर के लोकस से बना हो, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पीछे हमने हेडलाइन में यही लगवाई थी, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ऑस्क्यूलेटिंग सर्किल या सेंटर ऑफ कर्वेचर या सर्कुलर कर्वेचर, प्लीज लीजिए नहीं लिखा है ब्रैकेट में लिख लीजिए, तीन नाम हो गए इसके, ऑस्क्यूलेटिंग सर्किल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर्कुलर कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर्कुलर कर्वेचर और सर्कुलर कर्वेचर, तीन नाम हो गए क्या क्या, ऑस्क्यूलेटिंग सर्किल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और सर्कुलर सेंटर, सर्कुलर कर्वेचर। अभिषेक सर आए, ठीक है, तीन नाम हो गए, क्लियर है, लिखिए। Let the equation of locus of center of curvature is xi is equal to xi plus rho pi, equation number 1। ये डायग्राम बना लीजिए, ये वाला बना लीजिए, ऊपर वाला बना लीजिए, ये ये
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बेस सेकंड ईयर नोट्स ही लेंगे पागल वागल है क्या नोट्स दिया जाता है किसी को अरे तो काम हो तो फोटोकॉपी देके वो रखना चाहिए हम अपना नोट सबको भी दिए फिर फोटोकॉपी करा के दे दीजिएगा 2006 का नोट थोड़ी ना दिया जाता है पढ़ने में खराब कर दी तब ओरिजिनल कॉपी आपकी अच्छा ये बताइए आप लोगों को सर बताए थे कुछ आईआईटी जैन के पेपर के लिए कुछ फंसा फंसा उससे कुछ हिंट दिए थे अभिषेक सर बताइए खुल के बताइए आप लोगों का बाकी लोगों का ये बताइए एमएससी एंट्रेंस की तैयारी आप लोग करना चाहते हैं अभी नहीं एग्जाम ही दे लीजिए उसके बाद एमएससी का फॉर्म भरेंगे उसके बाद जो गैप पड़ता है उसमें देना चाहते हैं एमएससी एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं मतलब अगर करना चाहते हैं आप लोग शुरू करेंगे तो हम बाकी बच्चों को एडवर्टीजमेंट कराएंगे अन्यथा हम नहीं कराएंगे तो ये आपस में जरा डिस्कस करके हमको समझ के बताएंगे ठीक है सभी लोग कि एमएससी मैथमेटिक्स से एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं कि नहीं अगर करना चाहते होंगे तब तो हम शुरू कराएंगे अगर ठीक है कल हमको समझ के बताइएगा हो गया ठीक ना इक्वेशन ऑफ कर्म सी लेट एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई एस बी द इक्वेशन ऑफ कर्म सी एंड लेट एक्स आई वन किसका पॉइंट होगा किस कर्म पे होगा सी वन पे जब वन लग जाएगा तो सब कहां पहुंच जाएंगे सी वन पे एंड लेट एक्स आई वन एंड लेट एक्स आई वन बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व सी वन यहां पे कोई पॉइंट बना लीजिएगा एक्स आई वन पी वन लेट एक्स आई वन बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व सी देन इक्वेशन वन टेक्स द फॉर्म देन इक्वेशन वन टेक्स द फॉर्म चलिए भाई बताइए अगर ये पॉइंट इस कर्व पे है तो इस कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई तो वेरिएबल की जगह क्या रख देंगे एक्स आई वन वेरिएबल कौन है वेरिएबल कौन है ये कैपिटल एक्स आई तो उसकी जगह क्या रख देंगे एक्स आई वन इज इक्वल टू एक्स आई प्लस रो पी वन इक्वेशन नंबर टू ठीक है समझ में आ रहा है अभी हम आपको बता रहे थे कि हम इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एस के जहां एस और एस वन एक दूसरे के क्या है फंक्शन है जरा ध्यान से सुनिए ये एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा और वन वाला इंडेक्स एस वन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा कराइए एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट यहां देखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू एस कॉमा वी ध्यान से देखिएगा जब इसको एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा एस वन तो यहां क्या लिखेंगे फिर साथ में आएगा डी एस वन अपॉन डी जहां एस वन एस का फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है ठीक है इज इक्वल टू ये एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा डी एक्स आई बाई डी एस प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यहाँ पे रो कॉन्स्टेंट नहीं होगा क्योंकि किसी भी कर्व के अलग अलग पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होता है अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग सर्किल अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग सेंटर क्योंकि यहाँ पे हम इसी का क्या ले रहे हैं लोकस तो
दोनों को बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा रो डैश पी आई प्लस रो डी पी आई बाई डीएक्स, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स आई बाई डी एस की वैल्यू होती है टी आई, चूंकि वन के रिस्पेक्ट में है तो टी आई, ठीक है। सब में डी एस वन अपॉन डी एस इज इक्वल टू डी एक्स आई बाई डी एस की वैल्यू मेरे हिसाब से टी आई है ना, प्लस नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ? सबसे टफ टॉपिक पढ़ रही है इस किताब का, ये समझ इससे टफ कुछ नहीं है, यही सबसे टफेस्ट पार्ट है, इसीलिए आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? प्लस रो पी डैश आई की सेरेट फ्रेडेट फॉर्मूले से वैल्यू वन इंडेक्स नहीं है तो क्या आएगा? टर्म बी आई माइनस कप्पा टी आई, वन किसी में नहीं लगाया है, ठीक है शशिहरा। दिस इंप्लाइज दैट टी आई वन डी एस वन अपॉन डी एस इज इक्वल टू टी आई प्लस रो डैश पी आई प्लस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो रो टर्म बी आई माइनस कप्पा और रो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, कप्पा इज इक्वल टू वन अपॉन रो कट जाएगा, केवल क्या मिलेगा टी आई सिंस कप्पा इज इक्वल टू वन अपॉन। दिस इंप्लाइज दैट टी आई वन ये इससे कैंसिल, क्या बचेगा रो डैश पी आई प्लस रो टर्म बी आई साथ में डी एस अपॉन डी एस, ठीक है। इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर थ्री, उतार दो मिनट देर समझा दी क्यों। टी आई वन किसके किसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा गया है? पी आई और बी आई। टी आई वन पी आई और बी आई के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा गया है, अर्थात टी आई वन इन दोनों से मिलने वाले प्लेन में ही लाई करेगा। इन दोनों से मिलने वाला प्लेन कौन सा हो गया? नॉर्मल प्लेन, अर्थात टी आई वन कहाँ लाई करेगा? नॉर्मल प्लेन ऑफ पी आई एंड बी आई, नॉर्मल प्लेन ऑफ कर्व सी, क्योंकि कहीं वन इंडेक्स नहीं है। तो प्रूफ हो गया कि टी आई वन सी के नॉर्मल प्लेन में लाई करेगा, या तो उसके परपेंडिकुलर दिखाते हैं या इन दोनों से मिलने वाले एक्सिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा गया, क्योंकि दोनों ही चीज हमने आपको कराई है, ये पीछे हम कराते थे सरेट फरेट फॉर्मूले में दोनों चीज लिखवाए हैं, इसके परपेंडिकुलर है अर्थात इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, या इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा गया है तो इन दोनों से मिलने वाले प्लेन में लाई करेगा, दोनों की बातें लिखवाए है ना, क्लियर है। एक पार्ट प्रूफ हो गया, अब कौन सा पार्ट प्रूफ करेंगे? एडमिल वाला, ठीक है। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कराएंगे ना, उसके आने के चांसेस 95 to 98% है।
20 तक के हम पॉइंट अप करते हैं, 4 दिन है ना, 20 में 16 है ना, 4 दिन हम पॉइंट अप करते हैं इसको मंडे तक। तो संडे को कहीं का टेस्ट है आपका, मनमोहन सर कुछ बोले हैं नहीं बोले हैं, चलिए कल आएंगे पढ़ाने, कल नहीं परसों, परसों भी आएंगे। वो नहीं बोलेंगे तो एक चैप्टर, अगला दो चैप्टर तैयार करके रखेंगे, या एक काम करिए व्यू स्पेसेस फ्रॉम ओल्ड स्पेसेस पढ़ लीजिए और एक बीच का चैप्टर पढ़ लीजिए, तैयार करके रखिएगा संडे के लिए। हो गया भाई, हो गया, लिखिए बोले, लिखिए दैट रिलेशन थ्री शोज दैट, द रिलेशन थ्री शोज दैट द टेंजेंट टू कर्व सी वन फोर में टी आई वन लिखा है, यहाँ
दैट डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो मेरे हिसाब से केवल रो डैश प्लस आपको पता है पी आई डॉट पी आई का डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो ये जीरो डी एस अपॉन डी एस वन इज इक्वल टू कॉस अल्फा. दिस इंप्लाइज दैट कॉस अल्फा इज इक्वल टू रो डैश डी एस अपॉन डी एस वन. इक्वेशन नंबर सिक्स. ठीक, फिर देखिए, फिर थ्री का इस्तेमाल फाइव में कर दीजिए. अगेन सब में ठीक है. यूजिंग इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन फाइव कॉमा वी के कराइए टी आई वन की जगह वैल्यू रख रहे हैं. क्या रखेंगे? रो डैश पी आई प्लस रो टर्म बी आई डी एस अपॉन डी एस वन. किससे मल्टीप्लाई है? इज इक्वल टू. दिस इंप्लाइज दैट बोलिए ये मेरे हिसाब से जीरो हो जाएगा प्लस ये मिलेगा रो टर्म डी एस बाई. ठीक, डायग्राम बना दें. कितने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थे?
पॉइंट क्या क्या थे आज पढ़ना है पूरी के, इसमें क्या क्या होंगे, पी क्यू आर एस, इसकी लिमिटिंग कंडीशन क्या थी, क्यू टेंड्स टू पी, आर टेंड्स टू पी, इसकी क्या होगी, क्यू टेंड्स टू पी, आर टेंड्स टू पी, एस टेंड्स टू बस। किसी कर्व के किसी पॉइंट पर खींचा गया स्फीयर ऑस्कुलेटिंग स्फीयर होगा अगर वो कर्व से कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे, फोर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे। किसी कर्व के किसी पॉइंट पर खींचा गया स्फीयर अगर चार पॉइंट पे कांटेक्ट करता हो पी क्यू आर एस तो उसकी लिमिटिंग कंडीशन होती है पी टेंड्स पर क्यू टेंड्स टू पी, आर टेंड्स टू पी, एस टेंड्स टू पी। The sphere which has four point of contact, the sphere which has four point of contact with the curve at point P, with the curve at point P is called osculating sphere at P. Is called osculating sphere at P. Is called osculating sphere at P. O R और करके दूसरी परिभाषा लिखिए। Let P Q R S comma देकर के let P comma Q comma R comma S be the four points on the curve. Be the four points on the curve then the osculating sphere at a point P, then the osculating sphere at a point P is the limiting position of the sphere through P comma Q comma R comma S such that Q tends to P comma R tends to P comma S tends to P। ठीक है, नीचे से लिखिए। अब स्पेयर के भी क्या क्या दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, सेंटर और रेडियस। इसका प्रूफ कोर्स में नहीं है, ठीक है, केवल सर्किल का था वो हमने करा दिया। स्पेयर का भी बिल्कुल वैसे ही होता है। हम सबसे पहले स्पेयर का इक्वेशन लिखेंगे, स्पेयर का इक्वेशन लिखने के बाद कर्व का इक्वेशन लिखेंगे, कर्व के इक्वेशन को स्पेयर के इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे, एफ एस इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। अगर चार पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रखता होगा तो एफ एस इज इक्वल टू जीरो, एफ डैश एस इज इक्वल टू जीरो, एफ डबल डैश इज इक्वल टू जीरो, एफ ट्रिपल डैश इज इक्वल टू जीरो। चार इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमको क्रमशः सी आई और रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन ये कोर्स में नहीं है। उसका डायरेक्ट फार्मूला लिख लीजिए और डायरेक्ट फार्मूला रट्टा मार लीजिएगा, आपके काम आएगा। ठीक है, लिखिए नीचे से, द रेडियस ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर, द रेडियस ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर इज डिफाइंड एज, द रेडियस ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर इज डिफाइंड एज, नीचे से लिखिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर प्लस सिग्मा रो डैश का होल स्क्वायर। पीछे हमें को मिला था आर इज ए इज इक्वल टू रो, याद आ रहा है, अब इतना टर्म उसमें बढ़ गया सिग्मा रो डैश का स्क्वायर। हो गया, सेंटर पीछे क्या मिला था रश्मि, सी आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस रो बी आई, है ना,
बढ़ जाएगा सिग्मा रो डैश बी आई, मतलब सिग्मा रो डैश ऊपर भी बढ़ेगा, सिग्मा रो डैश नीचे भी बढ़ेगा, नीचे बस क्या मिलेगा बी आई, ऊपर केवल सिग्मा रो डैश। भाई बी आई का आप स्क्वायर करोगे तो बी आई डॉट बी आई विच इज ऑलरेडी इक्वल टू वन, ठीक है लिखिए। एंड द सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर इज, एंड द सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर इज, एंड द सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर इज, सी आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस रो बी आई प्लस सिग्मा रो डैश बी आई। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, छोटी सी क्लास हेडलाइन है स्पेरिकल कर्व, बाकी फिर कवर करेंगे फिर हमें बड़े बड़े स्पेरिकल कर्व। बड़ी मजेदार सी परिभाषा है, सुनिए देखिए जरा हम क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। कोई भी कर्व स्पेरिकल कर्व कहलाएगा अगर वो स्फीयर के सरफेस पे लाई करे, कहां लाई करे स्फीयर के सरफेस पे, ठीक, और वो स्फीयर ऑस्कुलेटिंग स्फीयर होना चाहिए। वो स्फीयर कैसा होना चाहिए जिसकी रेडियस कॉन्स्टेंट हो, बस स्पेरिकल कर्व यहां से शुरू किए, ऐसा कर्व स्पेरिकल कर्व कहलाएगा जो कहां लाई करे वो स्फीयर कैंसिल होना चाहिए जिसकी रेडियस क्या होनी चाहिए। कोई भी कर्व स्पेरिकल कर्व, स्पेरिकल प्लस कर्व, कोई भी कर्व स्पेरिकल कर्व तब कहलाएगा जब वो स्फीयर के सरफेस पे हो, वो स्फीयर कैसा हो ऑस्कुलेटिंग स्फीयर हो, उसकी रेडियस कैसी हो कांस्टेंट हो। कोई भी कर्व स्पेरिकल कर्व कहलाएगा जब वो कहां लाई कर रहा हो स्फीयर पे, वो स्फीयर कैसा हो ऑस्कुलेटिंग हो, ऑस्कुलेटिंग की रेडियस कैसी हो कांस्टेंट हो। A curve is said to be, a curve is said to be spherical, a curve is said to be spherical if it lies on the sphere, if it lies on the sphere and the sphere is ऑस्कुलेटिंग स्फीयर, and the sphere is ऑस्कुलेटिंग स्फीयर, such that its radius is constant, such that its radius is constant, ठीक है। अब हम कल जो है आप लोगों को दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कराएंगे, कोशिश करेंगे कल इकट्ठे खत्म हो जाए क्योंकि हमको थिएटर को रखा है कि हमको खत्म किया जाए। उसके बाद वो छोटे छोटे थ्योरम और दो तीन एग्जाम्पल लेंगे, टॉपिक पूरा कम्प्लीट। उसके बाद हम एवोल्यूट इवोल्यूट लास्ट टॉपिक करेंगे और ये कर्म स्पेस पूरा होगा क्योंकि कर्म स्पेस आपको 12 से 15 नंबर तक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ढंग से इसको पढ़ करके जाइएगा, ये पढ़ लीजिए, उसके बाद तीन छोटे छोटे चैप्टर हैं वो पढ़ा देंगे। बुक लाएंगे आप जल्द दीजिएगा, उतारने का क्या करोगे। उतारिए।